गाइस नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। गेट 2023 का हमने क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है और बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नेट गेट आईटी जेम के बड़े पेटेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है कंसिडर आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर सेट पे, मतलब एक्स वाई प्लेन पे वो बात किया हुआ है। जब भी आर स्क्वायर कहीं हो ना तो आप एक्स वाई प्लेन बना लें, ठीक है, उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा विथ यूजुअल यूजुअल यूक्लिडियन मैट्रिक, ठीक है। यूक्लिडियन मैट्रिक पे है वो आर स्क्वायर में। लेट एक्स ये सेट दिया हुआ है, एक्स एक्स साइन वन बाई एक्स आर्डर्ड पेयर में है, मतलब एक्स वाई प्लेन में ये हमारा एक जो है सबसेट दिया हुआ है। यूनियन लिखा है जीरो वाई, वाई अगेन सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, और वाई जो है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव है, मतलब ये पूरी वाई एक्सिस की बात किया है। और वाई जो दिया है एक्स साइन वन बाई एक्स दिया है, अगेन सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, मतलब एक्स वाई प्लेन में एक सबसेट दिया हुआ है। उसके बाद यूनियन लिखा हुआ है वही वाई एक्सिस, यही है जो हमारा ये है। उसके बाद स्टेटमेंट इसने कहा है, कह रहा है कि पी स्टेटमेंट ये है कि एक्स इज कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर स्क्वायर है। क्यू जो स्टेटमेंट है वाई इज कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर स्क्वायर है। उसके बाद ऑप्शन चार पूछे हैं कि पी क्यू सही है, पी गलत है, क्यू सही है, क्यू सही है, पी गलत है, मतलब कि कनेक्टेड के बारे में इन्होंने बात की है। अब एक बात आपसे हम कहने जा रहे हैं, ये बड़ा स्ट्रांग कॉन्सेप्ट एंड कीप इन माइंड दिस कॉन्सेप्ट। हम जो बात बोलने जा रहे हैं ना उसको हमेशा दिल दिमाग में आप बैठा लो। देखो जब भी कोई R का अगर सबसेट है रियल नंबर का कनेक्टेड की बात करता है तो इसमें इंटरवल होता है। बड़ा खूबसूरत रिजल्ट भी है, एवरी सबसेट ऑफ R इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, दिस इज इंटरवल। इंटरवल होना चाहिए, R का सबसेट कनेक्टेड तभी होगा जब वो इंटरवल होगा। अगर इंटरवल है तो कनेक्टेड होगा, बात क्लियर हो गई। लेकिन इतना तो ईजी वो पूछेगा नहीं, इसलिए जनरली आर स्क्वायर या आर क्यूब के बारे में वो लोग बात करते हैं। अब आर स्क्वायर में जब भी आपको कनेक्टेड के बारे में पूछा जाए ना तो तुरंत आप फिगर बनाओ, यू ड्रा द फिगर, यू ड्रा द ग्राफ, तुमको जवाब मिल जाएगा 100%। यूज दिस ट्रिक एंड दिस कंसेप्ट, ये बड़ा स्ट्रांग कंसेप्ट है। जब आपसे आर स्क्वायर में किसी सबसेट के बारे में बात करे कि वो कॉम्पैक्ट है कि नहीं, कनेक्टेड है या नहीं, इस स्तर की जब भी बात होती है ना तो आप फिगर को ड्रा करो, फिगर ड्रा करोगे तुम्हें जवाब मिल जाएगा। ऐसे जैसे देखो हम यहाँ फिगर ड्रा करने जा रहे हैं, एक्स हमारा जो है दो सबसेटों का यूनियन है, दो सेटों का यूनियन है। पहला है हम उसको ए ले ले रहे हैं, ये जो है एक्स और एक्स साइन वन बाई एक्स, एक हमने ए ले लिया। और बी जो आर्डर्ड पेयर है वो हमारा है जीरो और वाई है। यहाँ एक्स का जो वेरिएशन है मतलब जो डोमेन है जीरो एक्स लेस देन आर इक्वल टू वन, और यहाँ तो एक्स कंपोनेंट जीरो है, वाई जो वेरी करता है पूरा कंप्लीट वाई एक्सिस है। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट वाई एक्सिस है ना, ये कंप्लीट वाई एक्सिस ये हो गया हमारा। एनी दिस इज द सेट बी, ये पूरा सेट मेरा बी है, ओके क्लियर हियर। यानी ये जो लाइन है दिस लाइन इज द सेट बी, हो गई ओके। देखो फिगर से कितनी बातें क्लियर हो गई। अब जब भी आप फिगर ड्रा करो ना, ग्राफ ड्रा करो ना, तो कंटिन्यूटी की बात आती है। और कंटिन्यूटी का एक बड़ा फेमस रिजल्ट है, अगर एफ आपके पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और ये कोई कनेक्टेड सेट है तो डेफिनेटली एक कनेक्टेड पे भेजता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए नेशनल स्तर के जो कॉम्पटिशन्स हैं बड़े क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब यहाँ तुम देखो जो डोमेन है हमारा ये क्या है, आर्डर्ड पेयर के यहाँ क्या मतलब, फंक्शन ही डिफाइंड है, रिलेशन होगा बस यही होगा। अच्छा रिलेशन होगा और फंक्शन नहीं होगा तो आप ग्राफ नहीं बना पाओगे, मतलब कंटिन्यूटी ग्राफ नहीं बनेगी, तो फिर तो कनेक्टेड के नाम पे मजाक क्वेश्चन हो जाएगा। जनरली ऐसा क्वेश्चन बनता भी नहीं है, वो उस स्तर इतना ईजी क्वेश्चन तो कम उम्मीद है बनाया जाए। बस यहाँ देखो यहाँ डोमेन है और ये जो होता है वो रेंज है। अब यहाँ क्या है कि ये जो डोमेन आपका है ना वो डोमेन आपका कनेक्टेड है, ये इंटरवल है और इंटरवल पता है, और ये जो सबसेट आर है और ये भी सबसेट आर का है, राइट, ये आर्डर्ड पेयर है तो ये कनेक्टेड है। तो अब और ये हमारा एक्स साइन वन बाई एक्स दिस इज योर कंटिन्यूअस, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है इस इंटरवल्स में, तो कंटिन्यूअस फंक्शंस कनेक्टेड सेट को कनेक्टर पर भेजता है। तो मतलब ये जो कंप्लीट चीज़ हो गई, अगर ये कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड अगर हो गया तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि जो हमारा ग्राफ बनेगा दिस इज द कंटिन्यूअस। प्रॉब्लम हमारी कहाँ है, प्रॉब्लम हमारी इसकी जीरो है, पर जीरो तो डोमेन में है नहीं,
ठीक है, यानी जीरो पे प्रॉब्लम है इसकी। और सबको पता है कि ये जो हमारा होता है ये अनबाउंडेड होता है। ध्यान दो, जब इस स्तर पे आप तैयारी करते हैं तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जीरो पे मेरा ग्राफ नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम यहाँ जीरो की ओर आएंगे ना, ये वन और माइनस वन के बीच में साइन वन बाई एक्स ऑक्सीलेट करता है। पक्की बात हो गई। जैसे आप जीरो की ओर अग्रसर करेंगे, वन माइनस वन के बीच में इसका ऑक्सीलेशन चलता है, मतलब एक वैल्यू आप नहीं बता पाएंगे। उसके बाद जो ये जो आपका ग्राफ बनता है ऐसे बनता है। अच्छा, अगर हम यहाँ लास्ट जो इसकी वैल्यू है वन है, तो अगर वन लिखेंगे तो यहाँ वन इंटू साइन वन, यानी साइन वन आएगा आपका, तो साइन वन कहीं यहाँ ले लो। ठीक है, जब आप एक्स इज इक्वल टू वन लिख रहे हो तो साइन वन कहीं कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज योर साइन वन, हो गई बात है। अब ये ग्राफ आपका ये बन गया, ओके। और अगर कंटिन्यूसली अगर ग्राफ बना है तो दिस इज द कनेक्टेड, तो ये तो मेरा कनेक्टेड हो गया, ओके, तो दिस सेट इज कनेक्टेड। अच्छा, आप जरा बी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो बी तो पूरी वाई एक्सिस है और ये ऑलरेडी कनेक्टेड, कनेक्टेड क्या, दिस इज द पाथ कनेक्टेड, राइट। ये पाथ कनेक्टेड का बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है ये, कि अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूस है और डोमेन उसका कनेक्टेड है तो फिर वो पाथ कनेक्टेड हो जाता है, ओके। तो ये तो मेरा पाथ कनेक्टेड हो गया। अब ये देखना है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं कि नहीं। तो दोनों जुड़े हुए दो सेट को कनेक्टेड कब कहते हैं? ए और बी को कनेक्टेड तब कहेंगे जब ए इंटरसेक्शंस बी, क्लोजर ऑफ बी ए निकाल रहे हों और क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी निकाल रहे हों। अगर इनमें से कोई एक अगर फाई नहीं हुआ इन दोनों में, क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शंस ऑफ बी और ए इंटरसेक्शंस ऑफ क्लोजर ऑफ बी, अगर ये दोनों फाई हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? ये डिसकनेक्टेड की बात होती है, सेपरेबल सेट हो जाते हैं। अगर ये डिसकनेक्टेड नहीं है तो फिर ये कनेक्टेड हो जाते हैं। अब यहाँ देखना है तो क्लोजर ऑफ बी इंपॉर्टेंस है। एक बात और है, क्लोजर ऑफ बी मतलब किसी सेट का क्लोजर इंपॉर्टेंस हो जाता है कनेक्टेड में। ऑलवेज कीप इन माइंड आल्सो दिस कॉन्सेप्ट। तो अब क्लोजर ऑफ ए निकालो, आप क्लोजर ऑफ ए क्या होगा, व्हाट इज द क्लोजर ऑफ ए। अब यहाँ क्लोजर ऑफ ए देख लीजिए कि ये आपका पूरा बना हुआ है, तो क्लोजर ऑफ ए निकालते कैसे हैं? हाउ कैन यू फाइंड ए यूनियन, जो हमारे पूरे लिमिट पॉइंट के जो सेट होते हैं उनको, लिमिट पॉइंट जो टोटल जो लिमिट पॉइंट सेट की मिलती है, कलेक्शन हमारा डिराइव सेट कह दिया जाता है। तो ए यूनियन ए डैश हमारा क्या होता है? दिस इज द क्लोजर। अच्छा, अब ए डैश में क्या आएगा, क्या जीरो आएगा कि नहीं? देखो, ये सब पॉइंट तो आएंगे ही। क्यों आएंगे? कि अगर इस ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे लेके एक सर्किल अगर आप ड्रा करते हैं, मतलब उस पॉइंट के चारों ओर अगर आप नेबरहुड बनाते हैं, तो इस कर्व के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। इसका मतलब वो लिमिट पॉइंट है, कंसेप्ट ही है। ये पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट होगा, इसके चारों ओर चूंकि आर स्क्वायर में बात की जा रही है तो डिस्क बनाते हैं। एक ओपन यूनिट डिस्क बना लो, एक डिस्क यूनिट डिस्क का एक छोटा सा डिस्क बना लो जहाँ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा रेडियस का हो, और अगर वो आर में है तो फिर हम इंटरवल बनाते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड या डेल्टा नेबरहुड की बात करते हैं। लेकिन अगर आर स्क्वायर में बात है तो फिर वो डिस्क बनेगा। अब किसी पॉइंट के राउंड अगर हम डिस्क बनाते हैं तो कर्व के इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट मिलेंगे उसमें, मतलब तो लिमिट पॉइंट है। अब जीरो के अगर आप चारों ओर कोई भी छोटा से छोटा डिस्क बनाओगे तो डेफिनेटली कर्व के इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट मिलेंगे। तो इसकी मीनिंग ये होगी कि जो जीरो जीरो है ये मेरा क्लोजर ऑफ ए में बिलोंग करेगा, हो गई बात है। अच्छा, बी में जीरो जीरो है या नहीं? ऑफ कोर्स है, तो बी तो पूरी हमारी कंप्लीट वाई एक्सिस है, तो फिर इसे तो जीरो जीरो है ही है। तो फिर क्या हुआ कि क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी नॉट इज इक्वल टू फाइव, मतलब कम से कम एक एलिमेंट यहाँ जीरो जीरो मिलेगा, बस इसके अलावा नहीं एलिमेंट मिलेगा, हो गई बात है। ये हो गया। लेकिन अगर क्लोजर आजा बी क्लोजर अगर निकालते हैं और अगर आप क्लोजर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए निकालते हैं तो ये फाइव हो जाएगा, ओके। तो फिर ये में जो है हमारा तो जीरो जीरो है नहीं, क्लोजर ऑफ बी में तो जीरो जीरो आएगा। देखो ना ग्राफ यहाँ जीरो जीरो के बगल से शुरू हो रहा है। अब जीरो जीरो तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो है बट वो कॉमन, इसमें है इसमें नहीं है, मतलब ये फाइव हो गया। लेकिन यहाँ तो मिल गया मेरा, इसका मतलब क्या है कि दिस इज द कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड क्या, दिस इज द पाथ कनेक्टेड। तो ये जो मेरा जो सेट है यक्स, अब यहाँ देखो ए हमारा पाथ कनेक्टेड है, बी मेरा पाथ कनेक्टेड है, इसमें इसके क्लोजर में और इसमें एक पॉइंट कॉमन है। इसकी मीनिंग हो गई कि जो सेट एक्स है हमारा, तो कनेक्टेड के बारे में बात पूछा है बट दिस इज ए पाथ कनेक्टेड,
एंड एवरी पाथ कनेक्टेड सेट इज ए कनेक्टेड सेट। तो यक्स तो ऑफकोर्स दिस इज द कनेक्टेड ही है। अच्छा वाई क्या है, अब वाई के बारे में भी बात वही कर लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ क्या है वाई में, वाई में यहाँ देखो साइन वन बाई यक्स है, और अगेन साइन वन बाई यक्स का एक बड़ा जबरदस्त और खूबसूरत रिजल्ट होता है कि ये सेट कनेक्टेड तो है, क्योंकि अगेन यहाँ देखो ये यक्स यहाँ वही है जीरो वन कनेक्टेड है। और मुझे ये पता है कि अगर कोई फंक्शन आपको भी बताए साइन वन बाई यक्स लिखते हैं और इसका डोमेन आपका जीरो और वन है, यहाँ ओपन है और ये क्लोज्ड है, तो दिस इज द कनेक्टेड दिस एंड साइन वन बाई यक्स इन दैट इंटरवल इज द कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस फंक्शंस कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड पर भेजता है, इसका मतलब साइन वन बाई यक्स इन दैट इंटरवल इज द कनेक्टेड, वो कनेक्टेड है मेरा, बट दिस इज नॉट ए पाथ कनेक्टेड। और पाथ कनेक्टेड नहीं होता है, क्यों नहीं होता उसके लिए अलग मैटर्स है, बट दिस इज बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल भी देते हैं कि साइन वन बाई यक्स इस इंटरवल में कनेक्टेड तो है बट दिस इज नॉट पाथ कनेक्टेड। अच्छा अगर पाथ कनेक्टेड की बात आती तो कुछ और भी टेक्निकल इशू होता, बट यहाँ तो सीधे कनेक्टेड के बाद में पूछा है, तो हमारे यक्स भी कनेक्टेड है और वाई भी कनेक्टेड है, तो यहाँ ऑप्शंस जो हमारा ए दिया है बोथ आर ट्रू, ये बात सही, बाकी यहाँ सही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जाइए लिखिए, हम उसका स्वागत करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है आपको समझने में। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तो आपके कमेंट का हम पूरा ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू गाइस, जाएंगे।